रिचा बेटा, आज यहाँ मेरे केबिन में? अरे पापा, ये कैबिन तो कंपनी के सीईओ का है ना, और इस कंपनी की सीईओ मैं हूँ, तो बस मैं अपना काम कर रही थी। हाँ बेटा, लेकिन फिर मैं कहाँ बैठूंगा? कहीं नहीं, अब से आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई काम तो है नहीं यहाँ पे। रिचा, तुम अभी कंपनी की नई नई सीईओ बनी, सारे फैसले खुद से नहीं ले पाओगी। पापा, आपने मुझे अगर सीईओ बनाया तो मुझ पे ट्रस्ट भी करिए ना, और मेरे डिसीजंस की रिस्पेक्ट भी। और जहां तक मुझे लगेगा कि मुझे आपकी जरूरत है, तो मैं आपसे घर आके बात कर लूंगी या फिर आपको कॉल कर लूंगी। हाँ प्लीज, कल से ऑफिस मत आना। क्या कल से ऑफिस नहीं आऊं? देखिए पापा, मुझे आपसे इस बारे में और बहस नहीं करनी है, मुझे ऑफिस के और भी काम है, आप प्लीज जाइए। लेकिन बेटा, पापा इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। ये क्या बेटा? प्रॉपर्टीज के पेपर है। प्रॉपर्टी के पेपर? अब आपने मुझे कंपनी का सीईओ बना ही दिया है, तो प्रॉपर्टीज में मेरे नाम कर दीजिए, और आप आराम से बैठ के अपनी लाइफ एंजॉय करिए। बेटा वो बात तो सही है, लेकिन ये प्रॉपर्टी के काम आराम से होते हैं, अचानक ये प्रॉपर्टी की बात कहाँ से आ गई? अरे पापा, अचानक से कहाँ, वैसे भी आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी तो है, और मैंने सारे पेपर्स कोर्ट से रेडी करवा लिया, आप बस साइन कर दीजिए। साइन तो कर दूंगा बेटा, पर इतनी जल्दबाजी क्या है? अब प्लीज जल्दी से कर दीजिए ना, ऑफिस के लिए मुझे लेट हो रहा है। यहाँ पे भी थैंक यू पापा, मैं चलती हूँ। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। मैं सोच रही थी आप घर पर अकेले ऐसे बोर हो जाते हो ना, तो क्यों ना आपको ओल्ड एज होम शिफ्ट करा देते। क्या तू मुझे मेरे घर से निकालने की बात कर रही है? एक सेकेंड, आपका नहीं मेरा घर। शायद आप भूल रहे हो कि ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम हो चुकी है, और वैसे भी मैं आपके भले की बात कर रही हूँ। वहाँ पे आप जाओगे, आपके एज के लोग होंगे जिनसे आप दोस्ती भी कर सकते हो, कम से कम आपको घर पे ऐसे अकेले तो नहीं रहना पड़ेगा। नहीं चाहिए मुझे कोई दोस्त, मैं यहाँ अपने घर में अकेला ही ठीक हूँ। देखिए पापा, मैं आपसे पूछ नहीं रही, आपको बता रही हूँ, इसलिए आप अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दीजिए। मुझे जैसे ही कोई अच्छा ओल्ड एज होम मिलेगा, मैं आपको वहाँ छोड़ाऊंगी। अच्छा अच्छा हो क्या गया तुझे? कैसी बातें कर रही है तू? ये सब करने के लिए तूने मुझसे मेरी सारी प्रॉपर्टीज के पेपर अपने नाम करवाए? मेरी बच्ची, मैं तुझे बचपन से बहुत प्यार करता हूँ, और तू मेरे प्यार का ये सिला दे रही है। पापा प्लीज, अपना ये मेलो ड्रामा ना बंद करिए, आपकी इन इमोशनल बातों से ना मेरा डिसीजन नहीं चेंज होने वाला है। बेटर यही होगा कि आप अपनी पैकिंग स्टार्ट करिए। मेरी बात तो सारा सामान ले लिया ना पापा? आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको शहर के सबसे अच्छे ओल्ड एज होम में भेज रही हूँ। ये लीजिए। बेटा हम यहाँ क्यों रुक गए? आगे आपका ओल्ड एज होम। लेकिन बेटा मुझे तो यहाँ कोई ओल्ड एज होम नजर नहीं आ रहा, यहाँ कहाँ रहूंगा मैं? यही सड़क पे। रोड पे कैसे रहूंगा मैं? अपने बाप की कुछ तो कदर कर ले बेटा, बचपन से मैंने तुझे हर खुशी दी, और तू मुझे यहाँ इस तरह रोड पर फेंक के जा रही है। इसमें इतनी तकलीफ वाली बात कौन सी है, क्यों परेशान हो रहे हैं? सामान उठाइए और चाहिए। बेटा तब एक इंसान की औलाद उसे इस तरह सड़क पर फेंके जाएगी तो उसे तकलीफ नहीं होगी क्या? अच्छा तकलीफ, आज आपकी अपनी औलाद आपको सड़क पर छोड़ के जा रही है तो आपको तकलीफ हो रही है? और पांच साल पहले जब आपने दादाजी को इससे भी बुरे हालात में इसी जगह छोड़ के गए थे, तब नहीं हुई थी ये तकलीफ? कुछ याद आया आपको? दोबारा अपने घर की तरफ भी आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, भूल जाओ उस घर को। पापा मुझे तो बिलीव नहीं होता कि आप कितने झूठे इंसान हैं। आपने मुझसे ये झूठ बोल दिया कि दादाजी इस दुनिया में ही नहीं रहे, और कभी मुझे यूके से इंडिया नहीं आने दिया ताकि मुझे आपकी सच्चाई का पता ना लगे। तो उस दिन मैं दादाजी को सड़क पर भीख मांगते हुए नहीं देखती ना, तो
मुझे कभी आपकी घिनौनी हरकत नहीं पता चलती। सच कहूँ तो आज मुझे आपको अपना पापा कहते हुए शर्म आ रही है। बेटा मुझे खुद भी आज अपने ऊपर शर्म आ रही है। बहुत बुरा किया मैंने अपने पिताजी के साथ। क्या बोलूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे अपने पिताजी के पास ले चलेंगे। मैं उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। पापा, दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब लास्ट टाइम मैंने उन्हें भीख मांगते हुए सड़क पे देखा तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गई और वहाँ उनकी डेथ हो गई। अस्थि है। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि मैं सांप के हाथों से ही विसर्जित करवाऊं। आपने तो दादाजी से उनकी जिंदगी का सारा हक छीन लिया था, लेकिन दादाजी ने मरने के बाद भी आपकी जिंदगी का इतना जरूरी हक नहीं छीना। पिताजी, एक बार माफी मांगने का मौका तो दे देते। बहुत देर हो चुकी है पापा पछतावे के लिए। आपने गलती की है, इस गलती की सजा यही है कि आपको इसी पछतावे के साथ पूरी जिंदगी जीना पड़ेगा।